सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एक एडवांस मोस्ट एडवांस हेटरोट्रॉफिक सिस्टम है, जो कि एक परफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इसका मतलब कि सेल में नहीं बल्कि इस गट में, ह्यूमन का ये जो गट है जिसको के एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, इसमें ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसलिए ये ट्यूब डाइजेशन है, क्योंकि इसकी ओपनिंग एक ये माउथ है, यहाँ से खाना एडमिट होता है और जो बाकी वेस्टेड फूड है वो यहाँ से जो है आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, इसको एनस कहते हैं। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे जी। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ओपनिंग है, वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वन वे ट्यूब है जिसमें फूड जो है एडमिट होता है एक एंड से, और जो अनवांटेड मटेरियल है वो दूसरे एंड यानी कि एनस से निकलता है। इसको कॉमनली जो इसका मशहूर नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक का, वो है गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसमें कि माउथ होता है, स्टार्ट माउथ से होता है और इसकी एंड जो है एनस से होती है, जैसे मैंने आपको बताया। इस ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कई जगहों पे स्पेशल काम जो है इसमें होते हैं, जैसे एक इंगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, से इगेशन है। अगर इस तस्वीर में आप देखेंगे तो फूड जो है यहाँ से फूड के पार्टिकल यहाँ से माउथ से इंगेज किया जाता है, और ये जो है ओरल कैविटी है, यहाँ से फेरेंक्स है, फेरेंक्स से ये इसोफेगस है, इसोफेगस ओपन होता है, इसमें स्टमक में, स्टमक के बाद ये जो है ये वाला हिस्सा इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये वाला जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम है, और रेक्टम खुलता है एनस में, और जो अनवांटेड मटेरियल है यहाँ से निकल जाता है बाहर। ये स्टार्ट होता है जैसे मैंने तस्वीर में बताया माउथ से, और माउथ के बाद इसमें बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी ओपन होती है किसमें, फेरेंक्स में, फेरेंक्स ईसोफेगस में, और ईसोफेगस ओपन होता है स्टोमिक में, स्टोमिक स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ तीन चीज़ें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है तीन इसमें चीज़ें होती हैं, एक जो है ड्यूडेनियम है, जेजोनियम है, जिजोनियम है, और जो है नंबर थ्री जो है इलियम है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, सीकम जो है फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके साथ अपेंडिक्स जो है जो कि वेस्टिजल ऑर्गन है मौजूद होता है यहाँ पे। ये इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम, ये वाला हिस्सा देखेंगे, इसको हम अपेंडिसाइड कहते हैं, जो कि सीकम के साथ जो है जुड़ा होता है, जो कि हर्बीवर्स में तो एडवांस है काम का है, मगर हमारे पास ये काम का नहीं है। ये एक तरफ से ब्लाइंड होता है और एक तरफ से यहाँ पे ये ओपन होता है जी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक सीकम होता है जी, सीकम के साथ अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा होता है, और नंबर टू जो है कोलोन जो लार्जेस्ट पार्ट है अपेंड लार्ज इंटेस्टाइन का, और नंबर थ्री जो है होता है रेक्टम, और रेक्टम का जो टर्मिनल एंड है इसको एनस कहते हैं।